आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जिसका नाम है क्लियर सी एग्जाम्स। और हमारा विजन है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्जाम्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हो, आई कैन एंड आई विल, आई कैन एंड आई विल एंड वी विल। आज करेंगे, अभी करेंगे और सीए बन के रहेंगे, क्योंकि हमें बनना है तो बनना है। अभी तक हमने जो भी बात किया इंडिया 16 के बारे में, अब उससे हम लोग एक कदम आगे बढ़ने वाले हैं। हम बात कर रहे थे कि इनिशियल रिकॉग्निशन के बारे में, इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होता है। इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा कॉस्ट पे होता है, उस कॉस्ट को कैसे हम लोग निकालते हैं वो भी हमने बात कर लिया है, अगर कोई भी पीपी अगर एक्सचेंज बेसिस पे एक्वायर होता है तो उसके बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। और एक कॉन्सेप्ट था डिफर्ड क्रेडिट बेसिस पे अगर हम कोई भी एसेट एक्वायर करते हैं तो उसमें फाइनेंस कॉस्ट और पीपी का कॉस्ट अलग करते हैं, ये भी हमने बात कर ली है। अब बात करने वाले हम लोग सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन की। इनिशियल हो गया, इनिशियल रिकॉग्नाइज हो गया आपका, लेकिन अगर फ्यूचर में मतलब सब्सिक्वेंटली अगर रिकॉग्नाइज होता है तो क्या होगा, कैसे करेंगे फ्यूचर रिकॉग्निशन। दिस वन इज वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान और पेशेंस लगा के काम करना पड़ेगा। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। क्या आप रेडी हो? यस या नो? यस और नो? ओके, यस आई अज्यूम्ड। सो लेट्स स्टार्ट। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन आखिर है क्या? पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे आपका ये फाइनेंशियल ईयर 16-17 है, ये 17-18 है और ये 19-20 है एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपने इनिशियली कोई भी एसेट यहाँ पे अक्वायर किया है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे उसको क्या करना चाहते हो सब्सिक्वेंटली, सपोज करो एक साल बाद, दो साल बाद आप उसको फिर से रिकॉग्नाइज करना चाह रहे हो। इट मे बी ड्यू टू रिवैल्यूएशन और एनी अदर कॉस्ट इंकर्ड, और भी कोई भी और कॉस्ट लगा हो और उसके वजह से कि आपने रिवैल्यूएशन हुआ या फिर कोई और कॉस्ट लगा, तो आप उसको फिर से एक बार रिकॉग्नाइज करना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। सो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन आपको समझ में आ गया कि एक बार करने के बाद जब दूसरी बार रिकॉग्नाइज करते हैं तो उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट, और रिकॉग्निशन का मतलब आपको पता है। लेकिन जो हमने इनिशियली रिकॉग्नाइज किया दैट हैज अ सेपरेट वे, एंड जो हम लोग सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करेंगे दैट विल बी हैविंग अ सेपरेट वे। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में डिस्कशन होगा। आई होप आपको पता चल गया कि मतलब क्या है सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कैन बी डन बाय टू मॉडल। वन इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन मॉडल, वन इज कॉल्ड कॉस्ट मॉडल। एक हो गया रीवैल्यूएशन का मॉडल और एक हो गया कॉस्ट का मॉडल। दीज आर द नेम, वी विल डिस्कस अबाउट इट, मतलब लेटर ऑन। लेटर ऑन का मतलब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। रिवैल्यूएशन मॉडल ये एक मॉडल का नाम है, और कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन जब रिवैल्यूएशन होगा और जब कॉस्ट में कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो उसको कॉस्ट मॉडल कहेंगे। लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो दोनों मॉडल है वो दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में कौन सा मॉडल अप्लाई करना। अगर नहीं दिया होगा तो आप अपना फेवरेट वाला मॉडल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो दो मॉडल है, रिवैल्यूएशन मॉडल और कॉस्ट मॉडल। ये दिस विल बी अप्लाइड टू होल क्लास ऑफ द एसेट। क्लास ऑफ द एसेट क्या हो गया? क्लास ऑफ द एसेट मतलब अगर आपकी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है तो ये पूरा क्लास हो गया, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो गया, ऑफिस की जितनी सारी ऑफिस बिल्डिंग है वो सारा क्लास होगा। तो अगर एक जगह आप कोई भी मॉडल अप्लाई करोगे तो सारे ऑफिस बिल्डिंग पे होगा और सारे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो जब भी ये काम आप करेंगे तो पूरे क्लास पे अप्लाई करेंगे, ना कि सिर्फ एक पे। आई रिपीट, इट विल बी एप्लीकेबल ऑन द ऑल द क्लास, नॉट ऑन अ पर्टिकुलर एसेट और पीपीई, इजंट इट। तो ये सारे के सारे पूरे होल ऑफ क्लास पे अप्लाई होगा, ठीक है। दो मॉडल अपने, पीपी की रिपोर्टिंग कैसे होगी रिवैल्यूएशन मॉडल में
और कॉस मॉडल। आई होप आप कैच कर पा रहे हो कि जब हम सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन करेंगे तो दो मॉडल से करेंगे और जब भी होगा ये पूरी क्लास में एप्लीकेबल होगा। तो कॉस्ट मॉडल में हम लोग इसकी कैलकुलेशन करते हैं, कॉस्ट लेस करेंगे दो चीज, एक एक्यूमुलेटेड डेप्शन और एक एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस आपको पढ़ा हुआ नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे आने वाले वीडियोज में। तो ये रिकॉग्नाइज करेंगे ऐसे हम लोग जो भी ये कॉस्ट आएगा या फिर ये, तो ये कॉस्ट मॉडल का तरीका है कि भाई जब कॉस्ट को हम लोग मतलब जब पीपी को जब सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करेंगे तो उस फुल कॉस्ट से ग्रॉस वैल्यू से उसका एक्यूमुलेटेड डेप्शन और एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस को माइनस कर देंगे तो वो वैल्यू जो आएगा वो सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइजेशन का वैल्यू होगा, ठीक है। और वही अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल में यहाँ पे एक वर्ड है फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। जब भी रिवैल्यूएशन होगा तो उस दिन उसका फेयर वैल्यू क्या है वो, और इसमें भी दो चीज लेस होगा आपको पता है ये दो चीज क्या है, एक डेप्शन एक्यूमुलेटेड डेप्शन और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस अभी तक आपको नजर आया कि ये फेयर वैल्यू का डिफरेंस है और एक कॉस्ट फेयर वैल्यू हो रहा है। तो जब भी रिवैल्यूएशन होगा तो उस केस में रिवैल्यूएशन मॉडल लगेगा और अदर केसेस में कॉस्ट मॉडल लगेगा एज इज इट लुकिंग राइट नाउ। तो दो मॉडल हो गए आपके पास, रिवैल्यूएशन मॉडल और कॉस्ट मॉडल, ठीक है। और इसका कैसे होगा वो आपको पता चल गया। फेयर वैल्यू शुड बी रिलायबल, रिलायबल फेस फेयर वैल्यू होगा कंपनी द्वारा गिवेन हो, आप समझ रहे हो रिलायबल फेस फेयर वैल्यू हो। चलिए तो ये रहे दो मॉडल सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के, रिवैल्यूएशन और कॉस्ट मॉडल। अब हम लोग बात करेंगे इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसकी कैसे होगी, कैसे होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, पहले हम लोग बात करेंगे रिवैल्यूएशन मॉडल की। और उसमें भी दो केस है रिवैल्यूएशन मॉडल में, दो केस। जब आप कोई भी एसेट आप रिवैल्यू करते हो तो उसमें क्या होता है, या तो इंक्रीज या तो डिक्लाइन, ठीक है, इंक्रीज या डिक्लाइन। आप समझ रहे हो रिवैल्यूएशन मॉडल की हम लोग बात करें उसमें दो चीज हो सकता है, या तो इंक्रीज या तो डिक्लाइन। अब जब इंक्रीज हो रहा है तो उसमें दो बात होगी, दो मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। पहले मेथड का नाम है प्रोपोर्शनेट मेथड और दूसरे का नाम है नेट मेथड। और वैसे ही डिक्लाइन के भी केस में दो मेथड हो गए, एक प्रोपोर्शनेट और एक हो गया नेट मेथड। तो इन टोटल चार हो गए। इन द केस ऑफ इंक्रीज देर विल बी टू, प्रोपोर्शनल मैथड और नेट मैथड, आप दोनों आपके पास ऑप्शन रहेगा फॉलो करने का। भाई डिक्लाइन के केस में प्रोपोर्शनल और नेट मैथड, ये दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेंगे। इंक्रीज के केस में प्रोपोर्शनल मॉडल में हम लोग क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट मॉडल में हम लोग इंक्रीज करेंगे ग्रॉस ब्लॉक को, ग्रॉस ब्लॉक ऑफ एसेट एंड एक्यूमुलेटेड, इसके एग्जांपल लेके अभी हम दिखाएंगे। इंक्रीज करेंगे ग्रॉस ब्लॉक को और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ऑन प्रो राटा बेसिस। अभी क्या है, जब हम कोई एग्जांपल जब सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हम ग्रॉस ब्लॉक और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बढ़ाएंगे
प्रोराटा बेसिस पे, न्यू वैल्यू से रिलेट करके प्रोराटा करके, सपोज करिए आज की वैल्यू 10 है और जो फेयर वैल्यू आई 12, तो उसके रेट के हिसाब से बढ़ाएंगे हम लोग। इसके ऊपर एग्जांपल लेके बात करेंगे तो और इजी लगेगा। अभी बस ये समझिए कि हमें ग्रॉस ब्लॉक और एक्युमुलेटर डेप्रिसिएशन को बढ़ाना है। जर्नल एंट्री इसमें क्या होगी, जर्नल एंट्री होगी पीपीई अकाउंट डेबिट, इंक्रीज हो रहा है तो एसेट तो डेबिट ही होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हटाना है, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस को भी हटाना है ऊपर जैसे हम लोगों ने बात की, और जो भी गेन है उसको कहाँ डालेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में, ठीक है। बी पीपीई रिवैल्यूड, पीपी रिवैल्यूड हो गए। तो भाई साहब दो चीज़ें आपको तो पता थी, अब जो इसका रिवैल्यूएशन मतलब जो इंक्रीज हुआ है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व। इजी है, कहने का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू रिवैल्यूड होगी इंक्रीज हुई तो उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालेंगे और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक्युमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस को हटा देंगे, ठीक है। और इसका दूसरा मेथड नेट मेथड, ये किसका ट्रीटमेंट था, इंक्रीज ग्रॉस वैल्यू। और इंक्रीज की केस में जब हम नेट मेथड लगाएंगे तो हमें क्या करना है, हमें कैंसिल कर देना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन विद पीपी, पीपी के साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हटा देना। द फॉर एन एग्जाम्पल आपको ऐसे करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू पीपीई, मतलब पीपीई की वैल्यू को आपको रिड्यूस कर देना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से, नेट मेथड मतलब नेट कर देना है। जो भी आज तक का सपोज करिए पीपीई 10 लाख का था लेकिन उसमें 4 लाख की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लग गई थी, तो अभी जो बुक वैल्यू आएगी वो नई वाली 6 लाख रहेगी, पूरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हट जाएगा। फिर दूसरा केस मतलब दूसरी एंट्री क्या करेंगे, इसमें हम लोग रिवैल्यू करेंगे नेट पीपीई को, पीपीई को रिवैल्यू करेंगे। अब इस समय एंट्री क्या होगी, पीपीई अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। इसमें क्या था, हम लोग डेप्रिसिएशन को कैंसिल नहीं कर रहे थे, जो ये वाला प्रोपोर्शनेट मेथड था, जबकि इसमें क्या हम पूरा डेप्रिसिएशन को पीपीई से राइट ऑफ कर रहे हैं, मतलब पीपीई की वैल्यू को रिड्यूस कर दे रहे हैं, फिर उसको रिवैल्यू कर रहे हैं और जो रिवैल्यूड हो रहा है उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल रहे हैं। आई रिपीट, दो केसेस हमने बात की, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज की बात कर रहे हैं। जब आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो उस केस में दो मैथड लगेंगे, एक प्रोपोर्शनेट और एक नेट मैथड। और नेट मेथड क्या हो गया, रिवैल्यूएशन की बात हो रही है, रिवैल्यूएशन में भी प्रोपोर्शनेट और नेट मेथड इन केस ऑफ इंक्रीज। तो इंक्रीज जब होगा तो उसमें हम लोग ग्रॉस वैल्यू को इंक्रीज करेंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को इंक्रीज करेंगे। जनरल एंट्रीज में क्या होगा, पीपीई को टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड लॉस, जो भी चार्ज करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड लॉस को और रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालेंगे। जबकि दूसरे नेट मेथड में कैंसिल कर देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को पीपी के साथ और उसका जो नेट वैल्यू आएगा वो निकालेंगे और फिर उसके बाद रिवैल्यू करके रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालेंगे, ठीक है। अब बात आती है डिक्रीज की, डिक्लाइन के केस में भी हमारे पास दो केस थे, क्या क्या मेथड था अपने पास, प्रोपोर्शनेट और नेट मेथड। डिक्लाइन के केस में प्रोपोर्शनेट और नेट मेथड में अपने क्या क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट मेथड में यहां पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू पीपी और जो डिक्लाइन का रहेगा उसको बैलेंसिंग फिगर पीएल में डाल देंगे, तो ये रिवैल्यूड हो गया, इसमें इजी है, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू पीपी मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से पीपी को कैंसिल कर देंगे और जो बैलेंसिंग फिगर है दैट विल बी ट्रांसफर टू पीएल। नेट मेथड में क्या करेंगे, नेट मेथड में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन
टू पी पी ई यहाँ पे कैंसिल करेंगे, फिर पी एल अकाउंट डेबिट टू पी पी, मतलब नेट मेथड जो होगा, मतलब जो नेट मेथड है उसमें ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों का ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये पी बी पी पी तो एक ही जैसा है और ये कंबाइन कर दिया जाए तो नेट मेथड ऑलमोस्ट सेम है कि हमें एक्यूमुलेटेड डेप्शन से पी पी को राइट ऑफ करके, मतलब पी पी को रिड्यूस करके उसके बैलेंस को पी एल में ट्रांसफ़र कर देना। ये इंपॉर्टेंट है कि ये पी एल में ट्रांसफ़र हो रहा है और यहाँ पर रिवैल्यूएशन रिजर्व में जा रहा है। तो क्या अगर मैं इसको क्या करता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ, ईजी रहेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन मॉडल। रिवैल्यूएशन मॉडल में एक इंक्रीज का केस और एक डिक्लाइन का केस, मतलब जब रिवैल्यू करेंगे तो दो चीजें हो सकती हैं, इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। अब इंक्रीज के केस में क्या होगा, प्रोपोर्शनेट मेथड है एक और एक नेट मेथड है। प्रोपोर्शनेट मेथड में हम लोग ग्रॉस ब्लॉक और एक्युमुलेटेड डेप्शन को फोर राटा बेसिस पे बढ़ाते हैं, और कैसे बढ़ाते हैं वो अपनी बात करेंगे, और इसके जो रिवैल्यूएशन होगा उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालेंगे जो भी इंक्रीज होगा। वही जब डिक्रीज होगा, आई एम सॉरी, इंक्रीज के केस में जब नेट मेथड लगाएंगे तो हम एक्युमुलेटेड डेप्शन से पीपी को राइट ऑफ कर देंगे, पीपी को रिड्यूस कर देंगे। जैसे एक्युमुलेटेड डेप्शन टू पीपी, जो भी आज तक का एक्युमुलेटेड डेप्शन है पीपी की वैल्यू को उससे घटा देंगे और रिवैल्यूएशन फिर से रिवैल्यू करेंगे, नेट पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो प्रोपोर्शनेट मेथड और नेट मेथड, इंक्रीज के केस में कहाँ ट्रांसफर हो रहा है उसका रिवैल्यूएशन रिजर्व में, जो मेजर डिफरेंस है। फिर डिक्लाइन के केस में प्रोपोर्शनेट लगाओ या नेट मेथड, बैलेंसिंग फिगर पीएल में जाएगा। यहाँ पे भी एक्युमुलेटेड डेप्शन से पीपी को रिड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे भी रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं होगा बिकॉज दिस इज डिक्लाइनिंग वैल्यू, तो डिक्लाइनिंग वैल्यू जब होगी तो आपको पीएल में ही उसको बुक करना होगा, क्योंकि वो लॉस अराइज हो रहा होगा। तो कहाँ बुक होगा, पीएल में बुक होगा, और इंक्रीज के केस में कहाँ बुक होगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व में बुक होगा। तो ट्रांसफर कहाँ होगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, पीएल पीएल। चलिए एक बार मैं बात कर देता हूँ इसमें भी, अगर सब्सिक्वेंट हुआ या फिर फर्स्ट टाइम ट्रांसफर हुआ तो एक बार पूरा मॉडल एक बार रिवाइज करते हैं यहाँ तक। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन मतलब बाद में, एक इनिशियल के बाद होने वाले रिकॉग्निशन को सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कहते हैं। रिकॉग्निशन करने का दो तरीका है, दो मॉडल, एक कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। अभी हम लोग बात कर रहे हैं रिवैल्यूएशन मॉडल में। रिवैल्यूएशन मॉडल और कॉस्ट मॉडल में ये डिफरेंस है कि रिवैल्यूएशन मॉडल में फेयर वैल्यू देखा जाता है ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, और डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, अब रिवैल्यूएशन आपको साल में दो तीन, ऐसा जरूरी नहीं हर साल हो, दो साल में तीन साल में रिवैल्यूएशन हो या फिर किसी भी डेट पे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फेयर वैल्यू उसका लेंगे जिस डेट पे रिवैल्यूड हुआ है, और उसका लेस करेंगे एक्युमुलेटेड डेप्शन और इंपेयरमेंट लॉस दोनों केस में करते हैं। और कॉस्ट मॉडल में क्या होगा, कॉस्ट से रिड्यूस करके रिकॉग्नाइज करेंगे। कहने का मतलब ये फेयर वैल्यू से रिकॉग्नाइज करेंगे, ये कॉस्ट से रिकॉग्नाइज करेंगे। अभी हम लोग बात करें रिवैल्यूएशन मॉडल की, उसमें उसकी अकाउंटेंट ट्रीटमेंट क्या होगी। अब रिवैल्यूएशन मॉडल में दो चीज़ हो सकता है, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज। इंक्रीज के केस मतलब उसमें भी दो केसेस हैं, इंक्रीज करो या डिक्लाइन। उसमें प्रोपोर्शनेट मेथड लगा सकते हो या नेट मेथड लगा सकते हो। प्रोपोर्शनेट मेथड लगाओ तो उसमें क्या करना होगा, आपको इंक्रीज करना होगा ग्रॉस ब्लॉक एक्युमुलेटेड डेप्शन दोनों को प्रोराटा बेसिस में। प्रोराटा बेसिस मतलब क्या, ओल्ड और न्यू में प्रोराटा निकाल के उसको इंक्रीज और डिक्रीज करना पड़ेगा। जनरल एंट्रीज क्या होगी, इसमें जो डिफरेंस होगा रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालेंगे, जैसे नॉर्मल पीपी अकाउंट डेबिट, जो भी रिवैल्यूड हुआ टू एक्युमुलेटेड डेप्शन टू एक्युमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर होगा। नेट मेथड में क्या करते हैं, एक्युमुलेटेड डेप्शन से पीपी को रिड्यूस कर देते हैं, फिर उसको रिवैल्यू करके रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालेंगे। लेकिन डिक्लाइन के केस में जो भी, दोनों केस में क्या करेंगे, एक्युमुलेटेड डेप्शन से पीपी को रिड्यूस करेंगे और डिफरेंस को पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। और तो इसका, इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, बेसिकली इंक्रीज और डिक्लाइन में रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा और ये पीएल में जाएगा। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि इसी जो रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है और पीएल में ट्रांसफर हो रहा है तो वो कैसे होता है। रिवैल्यूएशन जो है आपका उसमें ट्रांसफर का केस में क्या होगा, देखिए इसमें दो सिनेरियो है।
जब फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन होगा, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन, और ये है सबसिक्वेंट रिवैल्यूएशन। तो इसमें भी दो केस है, इंक्रीज और डिक्रीज या फिर डिक्लाइन। इंक्रीज होगा तो कहाँ जाएगा, रिवॉल्यूशन रिजर्व, यहाँ कहाँ जाएगा, पीएल में जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। ये कोई भी एक पीपीई है उसका रिवॉल्यूशन होता है रिवॉल्यूशन मॉडल के तहत, जो पहली बार होगा वो रिवॉल्यूशन रिजर्व में जाएगा या तो पीएल में जाएगा, इट डिपेंड्स कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और वही केस जब सब्सिक्वेंटली होगा, मतलब वही एसेट फिर से जब रिवैल्यूड होगा, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन उसका जब होगा, हो सकता है ना, कोई भी एसेट हर साल भी हो सकता है रिवैल्यू, आने वाले 2-3 साल में एक बार फिर से रिवैल्यू हो सकता है। तो उसमें जैसे कि इंक्रीज हुआ तो पहले से ही रिवैल्यूएशन रिजर्व में पैसा डाला हुआ है, डिक्रीज में पहले से ही पीएल में डाला हुआ, तो इंक्रीज होगा तो क्या हम करेंगे, जब भी फर्दर इंक्रीज होगा तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग एडजस्ट करेंगे अर्लियर डिक्लाइन से जो कि पीएल में ट्रांसफर हो गया है। अगर पहले सपोज कर ये डिक्रीज हुआ है, अब आगे जाके इंक्रीज हो गया, तो ये जो पीएल में गया हुआ है तो उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे पहले, और जो बचा उसको कहां डालेंगे, रिवॉल्यूशन रिजर्व में। सेम यहां पे क्या होगा, यहां पे जब डिक्रीज होगा तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, ये डिक्रीज हो रहा है, सपोज करिए पहले यहां पे क्या हुआ होगा, इंक्रीज, तो रिवॉल्यूशन रिजर्व में पहले से ही पैसा इसका पड़ा हुआ है, तो पहले हम एडजस्ट कर लेंगे रिवॉल्यूशन रिजर्व से, और जो बचा उसको पीएल में ट्रांसफर कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमें ये चेक करना पड़ेगा जब सब्सिक्वेंट रिवॉल्यूशन होगा कि पहले से क्या वो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। सपोज करिए वो इंक्रीज हुआ है, पहले भी इंक्रीज हुआ है, अब भी इंक्रीज हुआ, तो रिवॉल्यूशन रिजर्व में ही जाएगा। ठीक है, हम बस ये चेक करेंगे कि अर्लियर का डिक्लाइन हुआ था, अगर डिक्लाइन हुआ था तो उसको पहले एडजस्ट करेंगे, वो सारा पैसा रिवॉल्यूशन रिजर्व में नहीं जाएगा, वो रिवॉल्यूशन रिजर्व को हम लोग पीएल से एडजस्ट कर देंगे, फिर जो बचेगा वो रिवॉल्यूशन रिजर्व में डालेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, सब्सिक्वेंट रिवॉल्यूशन में जब भी फिर से इंक्रीज हुआ, तो अगर पहले भी इंक्रीज हुआ है तो रिवॉल्यूशन रिजर्व में ही जाएगा। अगर सपोज करिए पहले डिक्रीज हुआ है तो इस केस में क्या होगा, पहले इस पीएल को सेट ऑफ कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे, और जो बचा तो रिवॉल्यूशन रिजर्व में जाएगा। वही जब डिक्रीज का केस हुआ, अगर पहले भी डिक्रीज हुआ है तो सीधा पीएल में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, पहले भी डिक्रीज हुआ अब भी डिक्रीज हुआ पीएल में, लेकिन अगर पहले इंक्रीज हुआ है अब डिक्रीज हुआ है तो उस रिवॉल्यूशन रिजर्व को पीएल से सेट ऑफ करेंगे और जो बचा हो फिर से पीएल में डाल देंगे। समझ में आया, पुराने पापों को धो देंगे बेसिकली, पुरानी जो गलतियां हैं, पुराने जो चीज़ें हुई हैं उनको पहले लुक आफ्टर करेंगे फिर कुछ करेंगे। एक और एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड है आई नो। सपोज करिए रिवैल्यूएशन रिजर्व और ए पीएल है, इनिशियल रिकॉग्निशन पे ये क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा, ये क्या हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन हुआ, रिवॉल्यूशन हुआ, यहां पे सपोज करिए इंक्रीज हुआ, यहां पे भी सपोज करिए डिक्रीज हुआ, तो इस केस में क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन रिजर्व को बढ़ा देंगे, इस केस में भी पीएल को बढ़ा देंगे। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दे, ये डिक्रीज कर देते हैं और इसको इंक्रीज कर देते हैं, मतलब जब सब्सिक्वेंट रिवॉल्यूशन हुआ तो डिक्रीज हो गया और ये इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, हम देखेंगे कि पहले अगर इंक्रीज किया हुआ है, पहले से रिवॉल्यूशन रिजर्व पड़ा हुआ है, तो ये पीएल जो है वो हमें पूरा ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा, वो मतलब पूरा लॉस हमें बियर नहीं करना पड़ेगा, कुछ लॉस हम लोग रिवॉल्यूशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, और जितना का रिवैल्यूड हुआ होगा पहले रिवॉल्यूशन रिजर्व रहा होगा, अगर फिर भी कुछ बचता है तो उसको क्या डालेंगे, पीएल में डालेंगे। ठीक है, मतलब लॉस को कम कर देगा अगर पहले इंक्रीज हुआ होगा तो, फेयर इनफ। अब पहले डिक्रीज हुआ है
अब इंक्रीज हो गया, ठीक है। तब इंक्रीज में जो रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालना रहता है इंक्रीज में, लेकिन हमारे पास कुछ पीएल में पहले से लॉस पड़ा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, इसको एडजस्ट कर देंगे और जो बचेगा फिर उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालेंगे, समझ लो पुरानी चीजों को करके डालेंगे। अगर नहीं हुआ है, मतलब सेम सेम है तो सेम सेम ही रहेगा, अगर रिवर्स है तो पहले पुराने को एडजस्ट करके नए में डालेंगे, पुराने को एडजस्ट करके नए में डालेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बेसिकली अगर टैक्स में अगर आप देखो तो ये सेट ऑफ हो जाता है, पुराने लॉसेस को सेट ऑफ कर दिया जाता है, वैसे ही पुराने लॉस और गेन को सेट ऑफ यहाँ पे किया गया, ठीक है। हमने इसके ऊपर एक एग्जांपल आपके लिए बनाया हुआ है रिवैल्यूएशन मॉडल पे एक्सक्लूसिवली, मतलब पूरी तरह रिवैल्यूएशन मॉडल पे ही बेस्ड। सपोज करिए कंपनी एक्स लिमिटेड, उसके पास ऑफिस बिल्डिंग है, इनिशियली उसने रिकॉग्नाइज किया था 10 लाख पे, दैट इज 1 अप्रैल 2018, ओके। यूजफुल लाइफ उसकी कितनी है, 10 ईयर्स से 10 ईयर्स, ओके। तो SLM बेसिस होगा डेप्शन का। उन्होंने क्या किया, रिवैल्यू किया ऑफिस बिल्डिंग को एट फेयर वैल्यू ऑफ 12 लाख अगले साल 31 मार्च 2019, ठीक है, अगले साल के एंड पे। अगेन उन्होंने रिवैल्यू किया फॉर 11, जो फेयर वैल्यू निकली उस समय 11 लाख की थी और ये डेट था 31 मार्च 2020, यानी कि एक साल का गैप देते हैं, 21 मान लीजिए 31 मार्च 2021, मतलब एक साल बीच में कुछ नहीं हुआ, नो रिवैल्यूएशन ऑन 31 मार्च 2018। तो 10 लाख का एसेट था, एक बार यहाँ रिवैल्यूड हुआ और एक बार यहाँ रिवैल्यूड हुआ। आपसे क्या बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करता है और आपको क्या करना है, पास करना है जर्नल एंट्रीज यूजिंग बोथ प्रोपोर्शनेट और नेट मेथड, दोनों मेथड आपको फॉलो करके इनका जर्नल एंट्रीज आपको बतानी है। तो 10 से 12 और 11 हुआ है, ये मोटा मोटी आपका क्वेश्चन, यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स। एक बार मैं अगर क्वेश्चन को और शॉर्ट में कर दूं तो ये है ईयर्स, ये 18 हो गया, 19, 20 और 21, यहाँ पे रिवैल्यूड हुआ है 12 लाख का, यहाँ पे 10 लाख का इनिशियल रिकॉग्निशन था, यहाँ पे नो रिवैल्यूएशन, फिर से सब्सिक्वेंटली रिवैल्यूड हुआ 11 लाख। यही दो केस हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे कि इनिशियल फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन और सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन। तो पूरा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा आपका, प्रोपोर्शनेट मेथड, नेट मेथड, रिवैल्यूएशन मॉडल और फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन और सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन। इस एग्जांपल से सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे कि भाई कैसे हम लोग रिवैल्यूएशन मॉडल करके सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करते हैं और उसमें भी दो मेथड है, प्रोपोर्शनेट और नेट मेथड, नेट मेथड, और दोनों कैसे फॉलो करते हैं। तो अगर पहला हम लोग देखें प्रोपोर्शनेट मेथड, तो चलिए एक वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाते हैं पहले। वर्किंग नोट नंबर 1, एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है और फेयर वैल्यू। एग्जिस्टिंग मेरा अगर वैल्यू देखा जाए तो 10 लाख का एसेट था और अगर 31 मार्च 2019 की बात करेंगे ना, उस समय रिवैल्यूड हुआ मतलब अगले साल, तो हमारा एक साल का डेप्शन लग गया होगा। अब एक साल कैसे आया, एक साल का डेप्शन डिवाइडेड बाय 10 × 1, SLM बेसिस पे 1 लाख का डेप्शन। तो मेरी करंट बुक वैल्यू क्या हो गई एज ऑन 31 मार्च, बुक वैल्यू हो गई 9 लाख, ठीक है। और जो ये रिवैल्यूड हुआ है दिस इज इक्वल टू 12 लाख, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ कि 31 मार्च 2019 को रिवैल्यूड होके ये फिगर 12 लाख पहुंच गई। तो ये एग्जिस्टिंग वैल्यूड है और ये है फेयर वैल्यू, ये बुक वैल्यू आज की हमारी ये है और ये फेयर वैल्यू है, ठीक है। हमने एक बात कही थी कि भाई हमें
प्रो राटा बेसिस पे वैल्यूज को लिखने पड़ेंगे, बोथ ग्रॉस वैल्यू और एक्यूमुलेटेड डेप्शन। आपको अगर याद हो तो हमने ऊपर लिखवाया था कि हमें ग्रॉस वैल्यू को भी बढ़ाना होगा, इंक्रीज ग्रॉस वैल्यू एंड एक्यूमुलेटेड डेप्शन ऑन प्रो राटा बेसिस। तो प्रो राटा बेसिस पे हमें इसे बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रो राटा बेसिस क्या होता है कि इस वैल्यू पे अगर लिया जाए तो इसका सीक्वेंस क्या होगा, मतलब 12 लाख में इसका कंपोजिशन तैयार किया जाए तो ये वैल्यू क्या होंगे, मतलब ये 12 लाख में इसी रेशियो में, इस रेशियो में अगर ये वैल्यूज को 12 लाख में लिया जाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। प्रो राटा बेसिस के लिए आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ता है, दैट इज 3 लाख, और उस डिफरेंस को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। परसेंटेज डिफरेंस क्या अपना निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको माइनस करके इतना डिवाइड करेंगे, इनटू 100 कर देंगे, एंड दिस विल कम अराउंड, ओके दिस विल कम अराउंड 33.33%। ठीक है, 33.33% जो इंक्रीज हुआ है वो वैल्यू आपकी है लगभग 33.33%, isn't it? 9 लाख से 12 लाख हुआ तो 33.33% बढ़ गया है। ठीक है, 9 लाख का 12 लाख मतलब जो परसेंटेज इंक्रीज है वो निकालेंगे और फिर यहाँ पे उतना ही ऐड कर देंगे। अगर 1 लाख में 33. आप समझ रहे हो क्या हमने किया है, इसकी वैल्यूज को रेशियो वही है। ठीक है, जब 12 लाख की कंपोजिशन में इसको रखेंगे तो प्रो राटा बेसिस में इसकी वैल्यूज को बढ़ा दिया जाएगा। जो फेयर वैल्यू अगर हमारा 12 लाख होगा, लॉजिक क्या है इसके पीछे आप यही सोचोगे, पहले एक बार 10 लाख को भी अगर हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो क्या वैल्यू होगी, उसमें भी 10 लाख में अगर हम इंक्रीज करेंगे तो आ जाएगा ये 13,33,333। ठीक है, अगर इसको इससे माइनस करेंगे तो 12 लाख रुपए आ जाएगा। मैं यही चेक कर रहा था, ये 12 लाख रुपए आ जाएगा और ये 9 लाख तो है ही। लॉजिक क्या है ऐसा करने का, सपोज करिए आप अपने एसेट को जब पीपीई को 12 लाख रुपए दिखाओगे तो क्या उसका डेप्रिसिएशन सिर्फ 1 लाख रहेगा? जी नहीं, उसका डेप्रिसिएशन भी बढ़ा के हमें दिखाना पड़ेगा क्योंकि उसका डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा चार्ज हुआ होगा और उसकी बुक वैल्यू 13.33 इसलिए दिखानी पड़ेगी क्योंकि हमारा जो बुक वैल्यू है उसको 12 लाख पे ले आना है। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? तो एग्जिस्टिंग वैल्यूज को फेयर वैल्यू पे ले जाने के लिए हमें प्रो राटा बेसिस लगाना पड़ता है। उस प्रो राटा बेसिस में आपको एक्सचेंज जो इंक्रीज या डिक्रीज का परसेंटेज है वो निकाल के ग्रॉस ब्लॉक को भी उतना से बढ़ाना है और आपका एक्यूमुलेटेड डेप्शन को भी उतना से बढ़ाना है। पहला स्टेप ये वर्किंग नोट 1, हमने पहला ही बोला था कि ग्रॉस ब्लॉक और एक्यूमुलेटेड डेप्शन को बढ़ाना पड़ेगा प्रो राटा बेसिस में। तो प्रो राटा बेसिस पुराना वैल्यू और फेयर वैल्यू जो निकला उसके बीच में निकालना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया पहले साल का। अब पहले साल का एंट्री भी डाल लेते हैं। जब हम लोग परचेस किए थे सपोज करिए पहला साल अपना कितना था, 17-18 तो जब हम इनिशियली उसको परचेस किए थे तो क्या हमारा था, ऑफिस बिल्डिंग था अपना, तो ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10 लाख का टू बैंक, मानते बैंक से खरीदा गया, वेंडर का कोई काम इसमें नहीं है। फिर जब डेट ऑफ रिवैल्यूएशन आएगा
हमारा ये कितना तारीख को खरीदा गया था, 1/4/18 का, ठीक है, मतलब इनिशियली 1/4/18 को खरीदा गया था, मतलब उस साल में। उसके क्लोजिंग पे क्या हुआ था, मतलब 1/4/18 से 31 मार्च 2019, तो उस समय क्या होगा, तो हमने उस समय चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, जो भी चार्ज होता हो, तो चार्ज हो गई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आपको मैं दिखा देता हूँ, जो क्वेश्चन ड्राफ्ट हुआ था कि कौन से तारीख पे था, 1/4/18, 1/4/18 को हमने एक्वायर किया था, इनिशियली रिकॉग्नाइज किया था, फिर उसी साल की क्लोजिंग पे अपने क्या किए थे उसको, एक मिनट, ये 20 था, उसी साल की क्लोजिंग पे उसको रिवैल्यू कर दिए थे। चलिए, ये रहा, ये इनिशियली रिकॉग्नाइज हुआ था, फिर रिवैल्यूड हो गया था, नो रिवैल्यूशन। तो करना क्या है, जर्नल एंट्री पहली तो नॉर्मल एक्वायर की, फिर उसके बाद जब भी रिवॉल्यूशन आया तो उसका डेप्रिसिएशन, जो भी डेप्रिसिएशन था उसको हमने चार्ज कर दिया ईयर एंड पे, ठीक है, ईयर एंड पे जो हुआ था। फिर अभी हमने जो वर्किंग नोट बनाया था उसके हिसाब से अपनी एंट्री, अगली एंट्री डालेंगे पीपी अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। हमारा कितना ज्यादा रिवैल्यूएशन हुआ है, तो हमारी एसेट की वैल्यू कितनी थी, 10 लाख, और जो रिवैल्यूड फिगर आई है 13,33,000, जो ग्रॉस ब्लॉक आई है, तो इसमें कितना इंक्रीज हुआ, 3,33,333 रुपये, ठीक है, और उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा कितना बढ़ा, 33,33,333, और रिवैल्यूएशन रिजर्व जो आएगा वो बैलेंसिंग फिगर आएगा। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि ये फिगर्स कहाँ कहाँ से आए। वर्किंग नोट अभी हमने बनाया था, देखिए ये जो रिवैल्यूड हुआ क्लोजिंग डेट पे तो 3,33,000 से ऊपर हो गया, और वही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 33,000 से ऊपर हो गया, तो 33,000 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बढ़ा दिया हमने, और ग्रॉस ब्लॉक को 3,33,000 से बढ़ा दिया, तो दोनों ग्रॉस ब्लॉक भी बढ़ गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बढ़ गया, और रिवैल्यूएशन रिजर्व अपना 3,00,000 रुपया आ गया, ठीक है। रिवैल्यूएशन रिजर्व को कहाँ दिखाते हैं, अपने ओसीआई में दिखाते हैं, अगर इसको अपने पीएल में अगर दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएं, उस साल का डेप्रिसिएशन हमारा होगा 1,33,333 ग्रॉस ब्लॉक, और OCI में अपना जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व, दैट विल बी 3,00,000, ठीक है। तो ये हो गया पहले साल का एंट्री, तो हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन यहाँ तक इनिशियल रिकॉग्निशन से लेके पहले साल के एंड तक रिवैल्यूएशन जो होना था वो हो गया। तो इनिशियल फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन का केस हमने कर लिया, ये था 18-19 का। अब फिर बात करते हैं अगले साल की, जहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ ही नहीं, दैट इज 1920, तो उस साल हम लोग क्या करेंगे अगले साल। तो उस साल सिंपली अपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और कुछ तो उसमें हुआ नहीं, 1,33,000 से ही चार्ज होगा टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अभी कैसे आया, आपकी एसेट की वैल्यू है 13,33,333, तो SLM बेसिस पे डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आएगी 1,33,333, 1,33,333, तो इसलिए बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। तो जो ग्रॉस ब्लॉक है, ग्रॉस ब्लॉक पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 10 ईयर के लिए 1,33,333 आएगा, और रिवैल्यूएशन अपना हो गया। तो इस साल में कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ था। अब सपोज अगले साल में अपने चलते हैं 2021, 2021 हमारा क्वेश्चन अब आ गया है अगले साल में, दैट इज
ये 20 में कोई रिवैल्यूएशन हुआ, 2021 में जो 11 लाख में हमने रिवैल्यूट किया था। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा प्रो राटा बेसिस के लिए, जिसमें हम लोग क्या लेंगे, एग्जिस्टिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू या न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू 11 लाख की है, तो 11 लाख एक बार साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है, हमारा एसेट का ग्रॉस ब्लॉक कितना है, 13 लाख 33 हज़ार 333। और अपना जो डेप्शन चार्ज हुआ है अभी तक वो कितना हुआ, अपना डेप्शन 2 साल का चार्ज हो गया है 1,33,333 × 2, मतलब 2 साल का 2,66,667। और इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9,33,333। ये 3 साल का चार्ज होगा ना, इस साल का भी चार्ज करेंगे 3 लाख। एक मिनट, ऐसे डिवाइडेड बाई 10, तो ये जो वैल्यू आएगी उससे अगर हम लोग निकालेंगे वैल्यू, अगर मैं आपको निकाल के बताऊं विंडोज और एलसी, जस्ट अ सेकेंड, अपना कितना 13,33,333। ठीक है, इसको कितना से डिवाइड करना है अपने को, 10 से, और इनटू करना है 3। तो इतना वैल्यू आएगा अपने एक्यूमुलेटेड डेप्शन का, ऑलमोस्ट 4 लाख। तो 4 लाख लिख देते हैं एक बार, ये वैल्यू 3,66,000 हुई, अब सोचे वो तो नहीं होगा 4 लाख लिख देते हैं एक बार। रिवैल्यूएशन कितना डेट पे हो रहा है, 31 मार्च 2021 को, 31 मार्च 2021। तो अपने 3 साल का जो कि जो डेप्रिसिएशन था, दैट इज 18, 19, 19, 20, 20, 21, 3 साल का जो डेप्रिसिएशन था वो हम लोग चार्ज कर लेंगे ग्रॉस ब्लॉक पे। ग्रॉस ब्लॉक अपना 10 लाख नहीं रहा, वो बढ़ गया था 33% से, जो हमने प्रोराटा बेसिस लगाया था। तो उसी बेसिस पे अपने फॉलो करते हुए जब भी रिवैल्यूएशन होगा तो उस डेट तक का जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज हमने कर लिया, जो आ गया ये वैल्यू हमारा, ये बुक वैल्यू है आज के डेट में, ये नया वैल्यू आया। तो इसमें क्या करेंगे, फिर से प्रोराटा करेंगे। जी हाँ, फिर से प्रोराटा बेसिस लगाएंगे। इस प्रोराटा बेसिस में जब इसको आप माइनस करेंगे, 11 लाख माइनस 9 लाख 33,333 डिवाइडेड बाई 9,33,000, इसको भी करके देखें एक बार, तो कैलसी मेरा खुला ही है। चलिए 11 लाख माइनस 9,33,333, एक ज्यादा हो गया क्या, डिवाइडेड बाई 100 आया 17.86, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 17.86%। तो ये आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पता ही है, प्लस करना पड़ेगा 17.86, प्लस यहाँ पे भी 17.86 करना पड़ेगा। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 15,71,429 के आसपास, और ये आ जाएगा आपका 15, इसको अगर ऐसे निकाल लें 1,571,429 माइनस कर लें 11 लाख, तो 471,429 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसको 5,157,429
आ जाएगा ये 47149, इसका ये वैल्यू आ जाएगा, मतलब कि आपका प्रो राटा बेसिस पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ग्रॉस ब्लॉक भी और एक्यूमुलेटेड डेप्शन भी, जो हमने पहले किया था वही चीज़ हमने फिर कर रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, जो हमने पहले किया तो वही चीज़ हम लोग फिर से कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे 10 लाख को इतना से बढ़ाया था क्योंकि ये वैल्यू उतना से डिफरेंस था, तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी कर दिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो फिर से अपने को एंट्री डालना पड़ेगा रिवॉल्यूशन के डेट तक का, इसमें क्या क्या एंट्री पड़ेगी, पहली एंट्री तो यहाँ पर डेप्शन की पड़ेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, कितना डेप्शन लगेगा 1,33,000, बिल्कुल जो पहले लगा हुआ था, टू एक्यूमुलेटेड डेप्शन, पीपीई को रिवैल्यू कर दिए अपने, कितना से रिवैल्यूड हुआ अपना पीपीई, कितना था 13,33,333 और ये हो गया 15,71,439, तो इसका वैल्यू निकालते हैं 1,571,429 और ये था 13,33,333, 239,086 के आसपास, तो ये रिवैल्यूड हो गया 239, कितना था 086, इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्शन कितना बढ़ा, फिर जो आएगा वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। तो पीपी का वैल्यू कितना इंक्रीज हुआ यहाँ पे आपका 239,086, अभी कैसे पता चला, अपना 13,33,333 वैल्यू था, अभी इंक्रीज हो गया 1,571,429 हो गया, ठीक है, तो ये इंक्रीज आपका 239,086 हुआ, तो हमें ग्रॉस वैल्यू इंक्रीज कर दी, एक्यूमुलेटेड डेप्शन को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, देखते हैं कितना इंक्रीज हुआ, अगर हम इसके हिसाब से डेप्शन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1,571,443, अभी कैसे आया 1,571,429 डिवाइडेड बाय, जब 10 करेंगे तो एक साल का डेप्शन निकल जाएगा जो नया वाला वैल्यू आया, और उसमें से जो पुराना अपना डेप्शन चार्ज कर रहे थे उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इतना हो गया। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू आया, मैंने निकाला है शायद अभी, ये आएगा 23810, कितना आएगा 23810, ठीक है, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ये आ जाएगा आपका, ये भी मैंने निकाला है 215,276,215,276, ये बैलेंसिंग फिगर रिवॉल्यूशन रिजर्व में चला गया। समझ में आ गया कि कैसे होगा, जब ये रिवैल्यूड होगा तो आपको दो काम तो करने ही है, पहला काम तो डेप्शन ये कि आपको ग्रॉस ब्लॉक और एक्यूमुलेटेड डेप्शन को बढ़ा देना है और रिवैल्यूएशन रिजर्व में उसको ट्रांसफर कर देना है अगर वो इंक्रीज का केस है, तो बस ये रहा आपका पूरा कहानी इसका, प्रोपोर्शनेट मेथड आपका हो गया। अब इसमें बोला था ना दो मेथड से आपको करना है, अब नेट मेथड से भी आपको करके दिखाना पड़ेगा, तो चलिए एक बार नेट मेथड से भी करते हैं अपने नेट मेथड, फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था, पीपी हमने अक्वायर किया था टू बैंक, तो ये तो सब जगह एक ही एंट्री होगी, नेट मेथड हो या फिर प्रोपोर्शनेट मेथड हो, ठीक है, तो उस साल का डेप्शन कितना चार्ज हुआ था, तो एक अभी तक तो कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ था ना, तो ये भी 1,00,000 पे चार्ज हो गया, जब रिवैल्यूएशन होगा, अब हुआ गया 31 मार्च 2019 को रिवैल्यूएशन हुआ था, जब रिवैल्यूएशन होगा ऑन 31 मार्च, मतलब ईयर एंड पे जब रिवैल्यूएशन होगा तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें एक रूल था
कि हमें कैंसिल करना पड़ेगा एक्यूमुलेटेड डिप्शन विथ पीपी। आपको याद होगा आई गेस उसमें रूल था कि हम एक्यूमुलेटेड डिप्शन को पीपी से कैंसिल करेंगे, तो एक्यूमुलेटेड डिप्शन अकाउंट डेबिट, ये आपको इजी भी लगेगा, डिप्शन अकाउंट डेबिट टू पीपी। बस ये कितना था, 1,00,000 रुपये अभी तक चार्ज किया था, तो 1,00,000 हम यहाँ से हम लोग डिक्रीज भी कर देंगे, ठीक है। और जब ये रिवैल्यूएशन हुआ तो इसका फेयर वैल्यू कितना आया था, 12,00,000, और हमारा बुक वैल्यू कितना है, 9,00,000। इसमें कितना का डिफरेंस है, 3,00,000। बस इसमें करना कुछ नहीं है, आपको पीपी अकाउंट डेबिट कर देना है। कितना से बढ़ेगा, 9 से 3,00,000 बढ़ेगा तो 12,00,000 हो जाएगा, और जो बैलेंस फिगर रहेगा वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल। कितना इजी है, नेट मेथड बहुत इजी है, जी हाँ बिल्कुल इजी। आपको करना कुछ नहीं, कैंसिल कर देना है एक्यूमुलेटेड डिडक्शन को, प्रो राटा बेसिस का झमेला नहीं, सिंपल सा काम है। एक्यूमुलेटेड डिडक्शन को कैंसिल कर दो जो भी अभी तक लगा हुआ है, फिर पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दो, काम हो जाएगा। फिर अगले साल जब रिवैल्यूएशन नहीं हुआ था, 3 साल का अपना क्वेश्चन है ना, अगले साल सेकेंड ईयर जब रिवैल्यूएशन नहीं हुआ था, तो अभी हमारे पास बुक वैल्यू कितनी है, 12,00,000 रुपये का वैल्यूड है, ठीक है। और हमारे पास ईयर लिफ्ट कितने हैं, 9, तो इसके हिसाब से अपने को क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यह आ जाएगा 1,33,333, तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,33,333। फिर थर्ड ईयर में आ गए, क्योंकि सेकेंड ईयर में और कुछ तो काम था नहीं, थर्ड ईयर में आ जाओ, थर्ड ईयर में पहला काम एसएलएम बेसिस पे, जब भी रिवैल्यूएशन होगा, 21 को हुआ था ना, 31 मार्च 2021 को जब ये रिवैल्यूएशन हुआ तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, फिर से डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 133, अभी तक तो 12,00,000 का ही वैल्यू है ना, टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,33,333। अब रिवैल्यूएशन हुआ, तो जैसे ही रिवैल्यूएशन होगा वैसे हम लोग कैंसिल करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को पीपीई से। कैसे कैंसिल करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, अभी तक का जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में गया है वो क्या क्या गया है, पहले साल का तो कैंसिल हो गया था, 2 साल का सब्सिक्वेंट ईयर का बचा हुआ है, पुराना वाला तो कैंसिल हो गया था, तो अभी 2,66,667 बचा होगा, ये यहाँ पे आके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी कैंसिल कर दिए। और जो अभी हमारे पास पीपी की वैल्यू बची, नाउ पीपी अपने पास कितना है, बुक वैल्यू बेसिकली, तो ये आपका 12,00,000 का था बुक वैल्यू, ग्रॉस बुक वैल्यू, उसमें से 266,667 चला गया, 2,00,000 चला गया सीधा सीधा, 12,00,000 में से 2,00,000 10,00,000, फिर 666,666,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9,33,333। ये अपना बुक वैल्यू आ गया उस डेट पे। अब जो रिवैल्यूड फिगर है वो रिवैल्यूड फिगर क्या है, रिवैल्यूड फिगर क्या है, दैट इज फेयर वैल्यू, वो है 11,00,000, ठीक है। तो जो इसका डिफरेंस आएगा फिर कहां जाएगा, पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये आ जाएगा 1,66,667, 9 से 10 जाने में 66 और 1,00,000 ये, तो 1,66,667, ठीक है। तो ये आ गया आपका नेट मेथड, कंप्लीट हो गया नेट मेथड। सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन भी हो गया। अगर यहाँ पे क्या होता, अगर पहले डिक्रीज हुआ रहता, पहले डिक्लाइन हुआ होता, तो क्या हम सीधा पीपी में डालते, जी नहीं, पहले पीपी में नहीं डालते, पहले पीएल से एडजस्ट करते। लेकिन यहाँ दोनों बार रिवैल्यूएशन रिजर्व मतलब में क्यों ही गया, क्योंकि दोनों बार इंक्रीज हुआ है, समझ में आया आपको। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन।
आई होप आपको एग्जाम्पल से एक आइडिया लग गया होगा, लेकिन हम लोग इसके ऊपर और भी डिटेल में चर्चा करेंगे जब क्वेश्चंस आएंगे, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग करेंगे स्टडी मटेरियल से डायरेक्ट, तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस रहेगा उसको सॉल्व करते वक्त और भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अभी तक बस आपको ये समझ में आ गया होगा कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल में तो सिंपल था कॉस्ट से, कॉस्ट मॉडल में रिवैल्यूएशन मॉडल में ही दिक्कत है। कॉस्ट मॉडल तो आपको सिंपली जब क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, और मोस्टली आपको रिवैल्यूएशन मॉडल पूछा जाएगा। कॉस्ट मॉडल में क्या होता है, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कैंसिल करके वो सीधा डेप्रिसिएशन में डाल देंगे जनरली, जैसे अपने करते हैं। रिवैल्यूएशन मॉडल में दो चीज़ें थी, प्रोपोर्शनेट और नेट मेथड, वो भी इंक्रीज और डिक्रीज के साथ। तो हमने बात कर ली रिवैल्यूएशन में इंक्रीज जब होगा, जब इंक्रीज के केसेस के दोनों केस हमने डिस्कस कर लिए। इंक्रीज में क्या होगा, इंक्रीज में ही तो वो था ना प्रॉब्लम। आइए एक बार ऊपर मैं दिखा देता हूँ आपको, इंक्रीज में प्रोपोर्शनल, और डिक्लाइन में क्या था, डिक्लाइन में इजी था, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू पीपी। डिक्लाइन जब भी होगा वो सिंपली डेप्रिसिएशन को घटा दो भैया, कोई प्रोराटा बेसिस का झमेला नहीं है, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हटा दो पीपी से, फिर पीएल में डाल दो, जो भी लॉस हुआ वही नेट मेथड में भी करना है, प्रोपोर्शनेट मेथड में भी करना है। इंक्रीज वाले केस में क्या, प्रोपोर्शनेट मेथड में आपको प्रोराटा बेसिस पे ग्रॉस ब्लॉक को और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बढ़ाना पड़ेगा, जो हमने दो बार आपको करके दिखाया, और वैसे ही आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना होगा, कैंसिल कर देना होगा पीपीई को, ये तो और नेट मेथड बहुत इजी था, फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल देना, ठीक है। तो हमने इसके एग्जांपल के साथ बात कर ली आपसे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डाउट आपको अगर होगा भी तो हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर कर लेंगे। उसके पहले कुछ और पॉइंट जो हम रिवैल्यूएशन रिजर्व से रिलेटेड आपको कुछ बता दें, रिवैल्यूएशन रिजर्व हमेशा कहाँ दिखाया जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका हमेशा शोन होगा ओसीआई में, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इन पीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जब अपने बनाएंगे तब। ये रिवैल्यूएशन रिजर्व को हम लोग फिर से रिक्लासीफाइड और रिसाइकिल नहीं कर सकते, इसको फिर से कोई और रिक्लासीफिकेशन नहीं कर सकते, कहीं और ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये जैसा का वैसा ही रहेगा और रिसाइकिल भी नहीं होगा इसको, ना हो रिक्लासिफिकेशन होगा, मतलब उसको और कहीं क्लासिफाई करके आप नहीं ले जा सकते, एज इट इज़ वहीं पे रहेगा। जब भी हम सेल ऑफ एसेट होगा, जब भी हम एसेट को बेचेंगे, सेल ऑफ एसेट, जब भी एसेट बिकेगा, तो उस केस में रिवैल्यूएशन रिजर्व जो होगा अपना विल बी ट्रांसफर्ड टू रिटेन्ड अर्निंग। आई रिपीट वॉट विल हैपन, जैसे आप सपोज करिए कोई भी एसेट रिवैल्यूट किए हो, उसमें कुछ रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका पड़ा हुआ है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और रिटेन्ड अर्निंग कहाँ आती है, अदर इक्विटी में, पहले ओसीआई में था आपका, अब ओसीआई से हटा के अदर इक्विटी में डालना पड़ेगा, दैट विल बी इन रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर हो जाएगा जब भी, Whenever you will sell that particular asset, जब भी उस asset को आप बेचोगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको revaluation reserve जो OCI में था उसे निकाल के आपको other equity में भी retained earning में आपको transfer करना पड़ेगा, जब भी वो asset बिक जाएगा, because revaluation reserve का कोई मतलब नहीं रहेगा जब आपका वो asset बिक जाएगा, क्योंकि वो आपका transfer हो जाएगा आपकी equity में, आपका income हो जाएगा वो retained earning, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या बात की, हम लोग बात कर रहे थे सबसीक्वेंट रिकॉग्निशन की, उसमें दो मेथड था हमारे पास, एक कॉज बेसिस था और एक था रिवैल्यूएशन मॉडल। जब रिवैल्यूएशन होता है तो रिवैल्यूएशन मॉडल लगाते हैं। कॉज मॉडल में डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉज पे ही लगेगा, डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉज, ये हमेशा ओरिजिनल कॉज पर डेप्रिसिएशन लगेगा। सपोज करिए 10 लाख का आपका वैल्यू है, अगर कॉस्ट मॉडल आप फॉलो करें और 10 साल की यूजफुल लाइफ है, तो हर साल 1-1 लाख रुपया लगता रहेगा, ठीक है, और बुक वैल्यू बेस्ड ऑन कॉस्ट आती रहेगी। तो ये कॉस्ट मॉडल में तो जनरली जो आपका यूज होता है वो कॉस्ट मॉडल ही रहता है। जब आप रिवैल्यू करते हो तो सब्सिक्वेंटली कैसे रिकॉग्नाइज करते हो, जो आपका कॉस्ट रहेगा ये तो आप समझ में आ गए, 5 साल बाद क्या होगा इसकी सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, ये 5 लाख ही आएगा, आफ्टर डिप्रिसिएशन ऑफ 5 ईयर, तो ये 5 लाख आएगा, तो ये कॉस्ट मॉडल ये रहा। रिवैल्यूएशन मॉडल में दो मेथड है, एक प्रोपोर्शनेट मेथड है और एक है नेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड में क्या होता है, ये ट्रू एंड फेयर व्यू आपको रिप्रेजेंट करेगा, ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करता है।
जो आपकी क्रॉस ब्लॉक हम लोग दिखाते हैं ये फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे, जो आपका फेयर वैल्यू इंक्रीज है तो इंक्रीज और डिक्रीज है तो डिक्रीज। यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन भी फेयर वैल्यू पे बेस्ड रहेगा, उसके हिसाब से ही डेप्रिसिएशन भी बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो ये दो मॉडल है बेसिकली, यहाँ पे हम लोग ग्रॉस ब्लॉक को इंक्रीज करते हैं और डेप्रिसिएशन को भी इंक्रीज कर देते हैं। और पीएल में क्या होगा, तो पीएल में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर मैं अब उसकी बात करूँ, पीएल की रिवैल्यूएशन मॉडल से क्या होगा, पीएल में एक्सेस डेप्रिसिएशन जाएगा, बिल्कुल जाएगा। पीएल में क्या होगा, एक्सेस डेप्रिसिएशन जाएगा फेयर वैल्यू से, तो उसी के हिसाब से हम लोग रिवैल्यूएशन रिजर्व में जब पैसा उसको एक्सेस डालते हैं तो ये सेट ऑफ हो जाएगा अपने आप से। सपोज करिए पीएल है, पीएल में एक्सपेंस घटा हुआ है, मतलब एक्सपेंस ज़्यादा है तो आपकी प्रॉफिट थोड़ी सी घट गई, लेकिन जब ओसीआई में रिवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ जाएगा तो ये प्रॉफिट फिर से वही और नॉर्मल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व से हम लोग एक्सेस डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ कर देते हैं, मतलब नॉर्मलाइज कर देते हैं सिचुएशन को। तो ये प्रोपोर्शनेट मेथड हो गया। और नेट मेथड में भी क्या होता है, ये तो सिंपल है, नेट मेथड में कुछ करना ही नहीं है। नेट मेथड में आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से पीपीई को हटा दो, फिर पीपीई से रिवैल्यू कर दो, सीधा रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूरा हो गया आपका रिवैल्यूएशन, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन कॉस्ट में क्या, ओरिजिनल कॉस्ट पे कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं अपने, जैसे कि 10 लाख का कॉस्ट है तो हर साल एसएलएम बेसिस पे 1-1 लाख का डेप्रिसिएशन लगा, तो रिकॉग्निशन क्या हो गया, अगले साल उसका 9 लाख, उसके अगले साल 8 लाख, फिर 7 लाख। फिर रिवैल्यूएशन मॉडल में आपको प्रोराटा बेसिस लगाना पड़ता है, अगर प्रोपोर्शनेट मेथड फॉलो कर रहे हो, नेट मेथड फॉलो कर रहे हो तो कैंसिल कर दो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सीधा पीपी से बस। और भी आपको क्लियरेंस मिलेगा जब हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। आई नो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भारी भरकम है, बट बहुत ही इजी है, बस 1-2 क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोग इन्जॉय कर रहे हो। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं आपसे आप लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।